प्रणाम गोड़ लागा तनी खबर भोजपुरी से हम मेरी उपाध्याय। आज हमें को ऐसा संस्था के बारे में बात करे जा रहा बानी जेकर नींव 1990 में रखल गए रहे। गुरु गोरक्षनाथ की धरती पे ई महाविद्यालय महिला के शिक्षा अधिकार और समाज के आगे बढ़ावा देवे खातिर रखल गए रहे। एकर स्थापना तब भई रहे जब गोरखपुर में एको महाविद्यालय लड़कियन खातिर अलग से नहीं रहे। ए महाविद्यालय के लड़की कुल आज शिक्षा में ही नानी अभी तो विज्ञान तकनीकी ज्योतिष इत्यादि कई वैसन क्षेत्र बा जेमे ई आगे बढ़त बाड़ी। और ए महाविद्यालय के नाम बा चंद्रकांति रमावती देवी आर कन्या महाविद्यालय। आज हम ए महाविद्यालय के सुचारू रूप से चलावे वाली एक ऐसन शख्स से बात करे जा रहल बानी जा जे महिला सशक्तिकरण में सबसे आगे बढ़ी। आगे बढ़त बड़ी एक मूल कारण यहाँ के प्रबंधक मैनेजर डॉक्टर विजय लक्ष्मी मिश्रा जी बाड़ी। आई इनसे बात कर जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार। आप बताइए गौरा कि यहाँ के ए महाविद्यालय के स्थापना कैसे भेल रहे और एक मुख्य उद्देश्य क्या रहे। जी ए महाविद्यालय के स्थापना सन 1990 में हमारे पिताजी जो डीएवी डिग्री कॉलेज में संस्कृत के टीचर बनल और वो समय शहर में कोनो एको महिला कॉलेज नहीं रहे जिनमें लड़की लोग जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो यही खातिर जब वो डीएवी पढ़ावत रहें तो कई समितियों के सदस्य रहें तो उनमें प्रवेश में देखें कि बड़ा भीड़ रहे लड़कियों की शिक्षा में प्रवेश के अति बड़ी मारा मारी रहे। लड़की लोग पढ़ल चाहें लेकिन वो खुला वातावरण ना प्राप्त हो सके कि वहाँ वो पढ़ पाए। तब उनके मन में एक विचार आई कि इतनी लड़कियों की संख्या बा और अधिक से आधा से ज़्यादा लोगों के प्रवेश नहीं मिल पावे। तब एक खातिर हरे सब लोग बैठल रहें माता जी रहे हमार नानी जी रहे दीदी सब लोग रहें तई कह रहे कि देखी ले स्कूल में कॉलेज में प्रवेश के समय बड़ा भीड़ रहला और सबसे ज़्यादा दिक्कत लड़कियों के शिक्षा के बाद। तो जानल जा उनके दिमाग में एक बात आई तो कह लें सब लोग तब बैठल सब एक दिन घरे में तो खुदे कहें कि कहे ना एक तो ऐसा महिला कॉलेज खोलल जा कि जैसे लड़की लोग अपन शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें। तो हमारे घर में जितना लोग रह सब लोग उनकर एक तरह से हंसिए उड़ौलस कि अरे चाहे दी आपके मान की नहीं बा इतना आपका एक मास्टर है साधारण। तो कहें देखा प्रयास करे चाहिए सोचे चाहिए आगे ईश्वर बा मदद करी। तो यही सोच के ध्यान में रख करके लड़कियों के समस्या देख करके शिक्षा के उनके ध्यान में आए कि एक तो लड़कियन की खातिर भी महिला कॉलेज जो नो समय 1990 में नहीं रहल वो के खोले के प्रयास। बहुत बढ़िया बात बाटे। यही से आज के समय में महाविद्यालय मेरी लड़कियों खातिर कितना ज़रूरी बाटे। बहुत बढ़िया बात बा। और ये आगे ये बताएं कि ये कॉलेज के नाम रमावती देवी काहे बने चंद्रकांति रमावती देवी काहे बने। ये महाविद्यालय के स्थापना में पिताजी 1990 में एक कॉलेज की स्थापना कर लें। तो वो समय कॉलेज में आप देखल जाए जहाँ पर हमारे महाविद्यालय के स्टाफ रूम बा रूम जो बनल बा प्रिंसिपल रूम बा उतना जमीन हमन के अपन निजी रह अपन निजी रहल। तो अब पिताजी सब लोग बैठल रहें तो वो कॉलेज जो बा पापा का पिताजी कहें कि वही जमीन से शुरू कर जा। तो हालांकि पिताजी आर्य समाज से बहुत प्रभावित रहें तो आर महिला इतना तो फिक्स कर ले रहे और चूँकि माता जी अपन जमीन दान देत रहे महाविद्यालय के वो समय के हिसाब से आप सोचल जा कि हम तो ख्याल से जितना बिल्डिंग आप देखल जाए जहाँ से उतना सारा जमीन जो बा माता जी अपन महाविद्यालय के दान दे दे रही। बल्कि हमारे पिताजी से कहते रहे कि आप हमारे बिटियन के हक मार लेते हैं तो पापा कल नहीं रहे द तो आज बिटियन लाइट रही है कि बहुत खइए कमाइए लेकिन एक महाविद्यालय महिला कॉलेज गोरखपुर में वो खींच जाए। तो चूँकि महिला
हमने माता जी के नाम चंद्रकांति रहा और हमरे रमावती जोन बाटिन तो हमारे नानी रहती, चूँकि हमारे पिताजी बचपन से ही उनके माता जी नाई रहे। जानल जा माँ के ना रहले पर एक लड़का के का स्थिति हुई कि वो देखे वाला नाई रहे, पिताजी खेतिया रहे तो उगरा। और जब हमारे पिताजी के शादी भेल, ब्याह भेल, ओ समय से हमार नानी जोन बाड़ी उनके पूरा उन्हीं के माई मान के सेवा कैल। और हम रमावती देवी के निधन जब 5 जनवरी 1990 के भेल तो वो अपन सारा चीज जोन बा पिताजी के पुत्र के भांति पलली पोसली, तो वह कर्जा उतारे खातिर एक तरह से जानल जा कर्जा उतारे खातिर पिताजी कहले कि ना ये कॉलेज के नाम में हमके जे कहे पिताजी उस समय हाई स्कूल पास रहे वो अपने खर्चा से इंटर करौले। पिताजी शास्त्री कैले, मध्यमा कैले, PhD कैले, जितना पढ़ाई पढ़ने में हमारे नानी जी के बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इसे जानल जा कि एक पुत्र के रूप में वो अपन कर्जा उतार लें और ना हमारे नानी के नाम जोड़ लें, तब एक महाविद्यालय के नाम चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला PG का। और एक कॉलेज में बहुत सारा विषय पढ़ावल जा रहा है, एक कॉलेज में कौन कौन विषय पढ़ावल जाएगा और एकर इमें कितना छात्र बढ़े? मिनी जी आप ये जानल जा कि लड़कियन के मैं बालिका से शिक्षा के लिए जौन जौन विषय उपयोगी बा उस सब विषय आपके महाविद्यालय में मिली। पिताजी छात्रालय की लड़की लोग गृह विज्ञान पढ़े तो गृह विज्ञान विषय ले आए। आप जाने जा 1990 के बाद बताओ थे 1990 में गृह विज्ञान विषय ले आए। वो समय तो धीरे धीरे जब आगे संसाधन 6 विषय से ये महाविद्यालय शुरू है, ये महाविद्यालय 6 विषय से शुरू है और 27 लड़की से ये महाविद्यालय के पहला बैच। 6 विषय में हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और प्राचीन इतिहास और एक गृह विज्ञान खोल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनके मन लगल कि लड़की के पढ़ावे खातिर और जौन विषय बांटे जौन उपयोगी हों वो के खोले चाहें, तब वो समय गृह विज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन ले आए, संगीत विषय ले आए। और आप जानल जा मिनी जी कि पूर्वांचल में फाइन आर्ट और संगीत खाली यही विद्यालय में बा, तो संगीत और फाइन आर्ट और कंप्यूटर, गृह विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र सहित 11 विषय स्नातक स्तर पर बा। PG स्तर पर गृह विज्ञान, दृश्य कला, राजनीति शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, एक साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में BEd बा, MEd बा, BHSC होम साइंस बा। और 2016 से BCom की कक्षा भी शुरू कर गई बा। तो जाने जा कि लड़की लोगन के पूरा व्यक्तित्व के विकास हो के इस चीज़ के ध्यान में रख के ये महाविद्यालय में विषय रखल गए बा कि लड़की लोग पढ़ें। साथ ही साथ फैशन डिजाइनिंग के भी कोर्स चलावल जाला जो गोरखपुर कौशल विकास केंद्र के द्वारा चलत बा। एक साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग के भी कोर्स चलाला, ज्योतिष के भी कोर्स चलावल जाला उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। साथ ही साथ कई फाउंडेशन जैसे मेधा फाउंडेशन व उन्नति फाउंडेशन भी सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स कर रहे हैं। आप जानल जाए कि एक बालिका के विकास खातिर जौन जौन विषय उपयोगी बा वो आपके महाविद्यालय। बहुत बढ़िया भाई, यही से आजकल के महिला आगे बढ़त बढ़ी। हाँ आजकल के शहर में महिला विद्यालय चलावल कितना बढ़न बात बढ़ गई और ऐसे क्या क्या समस्या उत्पन्न होला थोड़ा बता सके? अब एक महिला कॉलेज चलावल और एक महिला के नाते समस्याएं तो बहुत बढ़ी, लेकिन अपन ईमानदारी और बालिका के शिक्षा के निरंतर विकास खातिर समाज के हर वर्ग के सहयोग मिलत रहा, हमारे महाविद्यालय के शिक्षक गण के सहयोग मिलत रहा, सबके सहयोग से वो समस्या के हल करके आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। कॉलेज में जितना लड़की कुछ पढ़े पढ़ाई लिखाई के अलावा
और महिला के कौन से आगे इनका व्यक्तित्व के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? जाना जा कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के ये पूर्वांचल के पहला स्ववित्त पोषित कॉलेज है ये महाविद्यालय। और ये महाविद्यालय में आप जानल जा कि बहुत एक साधारण शिक्षक के विद्यालय है, बहुत सामान्य स्तर के विद्यालय है, लेकिन हम के चाहिए कि लड़की के हर स्तर पर उनके शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, वो साथ ही साथ खेल कूद में भी आगे रहें और जितना भी शहर में कंपटीशन हो लोग उनमें उन लोगों के पार्टिसिपेट करें खातिर हम उनके प्रेरित करी लें। साथ ही साथ हम उनके 2019 में नैक भी करावल गए, ग्रेड अपग्रेड करे खातिर हम लोग प्रयास बाटी और लड़की लोगन के व्यक्तित्व के विकास खातिर हम उनके कॉलेज में कई तरह के सेल बनल बा जिसे वो अपन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके। जैसे आप जानल जा कि महिला सुरक्षा सेल बा ओकर कोऑर्डिनेटर बैठल यहीं, प्लेसमेंट सेल बा कि लड़की लोगन के पढ़ले के बाद प्लेसमेंट करावल जा, एकरे अलावा हम उनके महाविद्यालय में पर्यावरण समिति बा, लाइब्रेरी हम उनके जानते हैं एनालिस्ट और सोल सॉफ्टवेयर से युक्त डिजिटल लाइब्रेरी बा। एक तात्पर्य यह है कि हम इनके जितना नैक के मानक बा ऊपर सारे तरफ से खरा उतरने के प्रयास कर जाला। और अगले इस एक पिछले साल हम इनके ISO सर्टिफिकेट मिलल है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इकरे अलावा हम इनके जितना सरकारी जो मानदंड होला होके हम इनके करे के प्रयास कर। आपने रौरा आप रौरा अपने नानी के बारे में बात कही ना, आप अपने नानी के बारे में कुछ बताए सुन ले बने की रेडियो गायिका रही। हम नानी नहीं, हमारे माता जी भी रेडियो सिंगर थे। माता जी हमार 80 के दशक में आकाशवाणी के लोग उस समय आवे लोग गीतों में वार्ता के गीत तो उन्हें घर आंगन कार्यक्रम एक शाम के 5 बजे आए तो उस और प्रोग्राम में अम्मा जाए नानी जाए हमारे तो हम छोट रही तो साथ ही साथ निकल जाए तो नानी हमारे लोग जो आकाशवाणी के दूर जनी रह एक 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 जनरल श्री नाम नहीं याद आता पर एक भूषण शर्मा जी रहें और एक बिंध्यवासिनी राय चाचा जी रहें तो ये लोग के जैसे जो अम्मा गाना गावे नानी गाना गावे वो बहुत ध्यान से सुने और चूँकि वो में समय लिमिटेड रहे तो अपने बात कहें नानी जी आप एक गाना ही पूरा हमें किया सुना दी तो वो लोगन के माटी के गीत देश के गीत घर आंगन कार्यक्रम चलत रहा वो में हमारे नानी जात रहे और जब नानी जी के हमारे देहांत हो गए तब नानी जी के हम जगह पर हम सुने ली तब हमू जात रही माता जी के साथ गाना उन लोगन के गावे जा रहे नानी की तरह रोरो के भी संगीत में रुचि बा। हाँ संगीत में रुचि बा बहनी देखा जा हमारे पिताजी कहें कि साहित्य संगीत कला भी न साक्षात पशु पुच्छ विचार भी न जो साहित्य संगीत कला भी न वो मनुष्य नहीं है तो हमन के जान जाए जा कि बनावल है ओला कि तो लोगन कर सके लो अब करा तो हमन के भी जाने जा पिताजी और माता नानी जी के साथ माता जी के साथ। अच्छा नानी जी के कौन गाना होगी तो हम सब सब सामने बताएंगे सुनाई आप। नानी जी के गाना तो अब इतना ही सब चैनल उनल पर आवाला लेकिन हम उनके नानी के साथ जाए जा तो एक तो कजरी गाँव है हमारे नानी और माता जी लोग का बात बढ़ते सावन के महीना में कजरी बहुत अच्छा लगा। अरे लोग के गाना अब जानल जा कि हम उनके छोट लेके रह ली जाओ उस समय इतना ध्यान नहीं रहा कि रिकॉर्डिंग और ये सब के तब वो समय जमाना ना है गाना लिख के दो चार तो जो नमन की याद है तो धैर्य लियल गई वही में से आपके सुनाई सावन बदौआ के नीर माल रतिया कजरिया खेल जाए बहो मोर बलमुआ सावन बदौआ के नीर माल रतिया कजरिया खेल जाए बहो मोर बलमुआ जाऊ तू धनिया जैबू नई हरवा विदेश
चली जाए मोरी धनिया विदेश चली जाए मोरी धनिया। बहुत बढ़िया बटे सुन के अच्छा लगा। अरे ये सब हमन के धाती है, ये सब हमरे माटी के सब गीत है। अब हमन के वही के पुरान गीत याद कर करके ओके सहेजे के प्रयास कर जाला, जेमे आप लोगन के भी बहुत बड़ा योगदान बाटी। आप हम प्रेरित कई कि गाना खोजी और सुनावे के। चलिए धन्यवाद। लेकिन नवरा के भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बढ़िया गाना सुनेंगी, वो भी अपने नानी के गाना के। हाँ। हमनी के आजकल के समय में सबके भुला चल जाता है, सब भुला चले। नानी ते माता जी लोग रोपनी के सोहनी के शादी ब्याह के, यहाँ तक कि हमन के आजकल हमारे नानी और माता जी लोग जाता धैले रहा तब पिताजी खातिर जाते पर ताजा तर सतुआ घुसा है तो जाते पर जतसार की तो समय गाँव है कि नानी हमारे गाँव है माता जी गाँव है जतसार भी। अब हमन के भी वो कीर्तन के खोजे के प्रयास करल जात हुआ और अगर संग्रह इकट्ठा हुए तो हम आपके जरूर के जात जात। एगो आखिरी सवाल बोला से कि ए समाज में आप ए समाज के आप नारी खातिर का संदेश देना चाहते हैं? नारी खातिर यह हमारा संदेश बा, कोनो काम कठिन नहीं बा, दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से अगर अपन काम नारी करें तो सब काम करने में सक्षम बाटे। अपने आप के कबो हीन ना समझें, कोनो चीज में कमी नहीं बा, बस अपन योग्यता बढ़ावें और उनके अंदर जितना भी क्षमता बा ओके सही दिशा में प्रयोग करें। अगर वो अपन कोनो चाहे वो देखल जाए कि कोनो कला होके चाहे कोनो योग्यता होके छोटा बड़ ना ही होला ओके कैले के तरीका होगा, आप वही के काम करें अपन आगे बढ़ाएं। तो हम तो स्त्री महिला लोगन से यही कह कि ए समय कोनो काम ऐसा नहीं बा जो नु नहीं कर सके, हर काम कर सके, बस अपन लक्ष्य ऊँचा रखें और अपने निश्चय दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़त रहें। लेकिन हाँ ईमानदारी से, ईमानदारी कोनो भी काम में बहुत जरूरी है। ये समय हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल साइंस विभाग के डॉक्टर पी त्रिपाठी भी बैठे बाटे, आपके भी महाविद्यालय के योगदान में बड़ा सहयोग रहा। हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षक जितना बालो सब कला में साहित्य में संगीत में निपुण हुआ और प्रीति मैडम के हम एक चीज़ जानी लें कि सरस्वती इनके जीवा बाटे। आप इनसे जौन विषय कहल जा जौने टॉपिक पे कहल जा आप धारा प्रवाह में आपके पारंगत बाटी उनका कमांड बा, आप इन्हों से चाहें तो प्रिंसिपल मैडम बतियावत रही है गलती रही बात कि राजनीति शास्त्र के होने के बावजूद हिंदी में हर तरह के अंग्रेजी भोजपुरी आप कौन भाषा में करी करा लें, आपको हम तो ऐसा चैलेंज करी ले कि क्यों ऐसा कर ही नहीं सका। तो आप इन्हों से जान सकिए महाविद्यालय के भी बारे में इनके बारे में पूछा जा। डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी अरोरा बताइए महाविद्यालय के कुछ खास बात। धन्यवाद मिनी जी और पूरा यायावरी टीम के कि आप लोग ये महाविद्यालय के चुनले और वास्तव में आपके मंच के ख्याति बढ़ी के महाविद्यालय में आइए के बाद। सबसे पहले तो ये महाविद्यालय के अंग होने के नाते हमारा बड़ा प्रबंधक मैडम यहाँ बैठे रही इन्हीं के आदेश से हम शुरू कर रहे हैं। एक महिला होए के नाते जहाँ पर हम सुरक्षित महसूस करब निर्द्वंद हो के अपन काम करब वो जगह में चलता महाविद्यालय। एक महिला होए के नाते हम ई नहीं कभी महसूस करी लगी केहू के आँख हमारे ऊपर गड़ा था केहू के हम टारगेट बता निर्द्वंद चाहे साहित्य हो कला हो विज्ञान हो तकनीक हो या ज्योतिष से लेकर के कराटे तक यह महाविद्यालय में महिला सिखावेली और लड़कियां सीखी यहाँ के संस्कृति है और संस्कृति के चलावल ही हमन के धर्म है। ये एक महाविद्यालय नहीं है, हम हमेशा बार बार कहेंगे कि चंद्रकांती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय परिवार है, ये एक संस्थान नहीं है, ये एक कुटुम्ब है जेकर हम सब सदस्य हैं। घर परिवार में जो बोला यहाँ भी बोला एक समन्वय एक समर्पण यहाँ आने के बाद हमें लगे कि वास्तव में दुनिया कुछ बोले। अभी तक सिर्फ काल्पनिक दुनिया में आदमी जिया रहा
लेकिन यथार्थ ही है। और सबसे ज्यादा योगदान हमारे व्यक्तित्व के गढ़ने में शैक्षणिक उत्थान में यह महाविद्यालय के संस्थापक हमें के बड़ा सौभाग्य रहा कि उनसे हम लोग डांट भी खा लेंगे, मार्गदर्शन भी ले रहे हैं, सब कुछ तराश के वो आज इतना गई बाटे कि हम लोग गरज सकीले समाज में चंद्रकांत रमावती कहीं भी जाए। अरे सीआरडी पीजी कॉलेज से आप लोग आई बाटी बैठी ये सम्मान मिला रहा कहे से कि यहाँ न्याय और सच्चाई और ईमानदारी और संस्कृति के संरक्षण ये हम लोगों के अंदर फूट फूट के प्रण का और जौन ई प्रण के आगे बढ़ोले में हमारा फायदा प्रबंधन फायदा हम लोगों के हमेशा चाहे प्रकट रूप में चाहे नेपथ्य रूप में इनके एक अभिभावक वाला व्यवहार जो बोला आज तक भले ही केहू भी आए लेकिन वो अभिभावक वाला भाव कभी हम लोगों से हटल ना है। इनके भरपूर पता रहा कि कौन शिक्षक की कौन समस्या का और ये भरपूर मॉनिटरिंग करेगी अपने हिसाब से केहू के नाई पता होला कि यह संस्था से कितना लड़की के फीस माफ कर देगा केहू के नाई पता होला कि के टीचर की कौन समस्या का तो एक परिवार की तरह मैडम काम करेगी। और रही बात महिला सशक्तिकरण के तो एक दायित्व तो हमारे पास था कि यह कैंपस में रैगिंग फ्री कैंपस है और महिला सुरक्षा के लिए करके जितना भी सरकार द्वारा प्रायोजित या दिहल जा सकाला सुरक्षा संबंधी वर्कशॉप है ट्रेनिंग प्रोग्राम है या अपने लेवल पे हम समय समय पर करा रही है। और सिर्फ ये नाते कि हम लोग आज पुष्पित पल्लवे पार्टी काहिसे की चंद्रकांति रमावती देवी महिला महाविद्यालय के हम सदस्य बाटी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम एक सदस्य और ई महाविद्यालय निरंतर अपने प्रगति पथ पर अग्रसर बा। गुरु जी के संकल्प आज आगे बढ़ावे खातिर हम लोग कटिबद्ध बाटी अंदर की तरफ पैर रोले बाटी मैडम के बरत हस्त हमन के ऊपर बा। आज तक कभी पूछताछ नहीं हुई कि आप लोग कहाँ जाते हैं का करते हैं काम कहीं के दर एक गार्जियन के रूप में हम तो नहीं पूछा।